लाइट एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माय ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से मज़े में होंगे, ज़िंदगी की नेमतें एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे आपको हमेशा हंसता बसता अच्छी सेहत के साथ, जितना टाइम है हमारा इस दुनिया में, सेहत अच्छी के साथ हम गुजारें और हम पे अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहमत नाज़िल करें। 3-4 दिन हो गए हैं एक न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट के ऊपर। मैं बेसिकली उसका मिनिस्टारियो, जो उसकी गवर्नमेंट है गवर्नो दे एस्पानिया की, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर से या उनकी अथेंटिक ऑफिस से मैं कोई ना कोई चीज़ सर्च कर रहा था या कोई लिंक ढूंढ रहा था कि मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई मिले, देन आई विल पब्लिश दिस वन। एक दोस्त है मेरे, यूट्यूब मेंबर हैं हमारे, उनका नाम है मोहम्मद शाहिद। 2-3 कमेंट्स उनके आए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का लिंक भी भेजा और कहा भाई आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो खबर आई है मंजर आम पे, एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ है ये। इसका बड़ी शिद्दत से, बड़ी देर से इंतज़ार था मेरे उन दोस्तों को या उन दोस्तों के लिए आने वाले जो नए लोग आएंगे स्पेन में, कि जिनके बच्चों के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, माँ बाप के पास परमानेंट तरहेता है, लार्गा दुरासियन है। बच्चों के पास आपको पता है जब बच्चा स्पेन में पैदा होता है 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसको नेशनैलिटी मिल जाती है। नॉर्मली आपको पता है जो बच्चा पैदा होता है उसको तरहेता रेजिडेंसिया एक्सटांजेरो नॉर्मल नीफ नंबर के साथ मिलता है, फिर 2 से 3 साल के अंदर अंदर उनको नेशनैलिटी मिल जाती है। ये एक जुल्म था, बल्कि एक बड़ी गलत बात थी कि बच्चे के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है और माँ बाप जो है वो उसमें रेनोवासियन में लगे हुए हैं, तरहता दे लार्गा दुरासियों ले रहे हैं, नेशनैलिटी भी जमा नहीं करवाई। बच्चों के पास रेड पासपोर्ट है, आपके पास नहीं है। जिस तरह आपकी वाइफ जब पाकिस्तान से आती हैं तो उनको तरहता कम्युनिटारियो दे दिया जाता है, जिसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आप काम कर सकते हैं, आप रह सकते हैं स्पेन में विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि जो रिग्रुपासियन है उसमें जब रेजिडेंस कार्ड आप 5 साल से कम एज का, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो परमानेंट ना हो, 1 साल का, 1 साल पे तो फैमिली नहीं बुला सकते, 2 साल का पहला कार्ड है या 2 साल का दूसरा कार्ड है, परमानेंट कार्ड होने तक आपको उसको रिनोवार करना पड़ता है। उसमें आपको सारे के सारे खर्चे शो करने पड़ते हैं, आपको शो करना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा ये घर है। घर भी इनफॉर्म है, समटाइम इनफॉर्म दे भी आते हैं। ये जो चीज़ है इसमें ये सारे का सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ये आने से क्या होगा, बच्चे के पास नेशनैलिटी आ गई है, आपके पास भले 10 साल आपको पूरे नहीं हुए, लेकिन उस बच्चे को जैसे ही रेड पासपोर्ट मिलेगा उसी बेस पे आप अपना तरहेता कम्युनिटारी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। क्या उसकी वजह होगी कि आपका ये जो रेनोवासियन का चक्कर है रिग्रोपासियन के अंदर, नेशनैलिटी तो आप 10 साल के बाद जमा करवाते हैं, लेकिन 10 साल पूरे होने से पहले आपको पता है आपको फिंगर लगाने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे पहला 2 साल का कार्ड मिला है, मेरी फैमिली स्पेन मूव हो गई है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमत की है, हमें एक बेबी दी है। अब उस बेबी को नेशनैलिटी मिल जाएगी 2-3 साल के बाद। नॉर्मल तौर पे 3 साल के बाद मुझे भी परमानेंट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिग्रुपासियन फैमिलियर वाला तरहता रेजिडेंस या पूरी फैमिली के साथ, उसमें अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे या आपके जो सगीदा सोशल में आता नहीं पूरा चल रहा, कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो तरहता कम्युनिटारियो मिलना, दैट इज़ ए बिग थिंग, दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और होने भी जा रहा है, क्योंकि ऑल द जितने भी अबोगादोस हैं, ऑल द लॉयर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस। उसमें कोई रीज़न है तो वो टॉक कर रहे हैं। सो दैट वाज द न्यूज़ के आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी, 2 से 3 साल के अंदर अंदर उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी और उस नेशनैलिटी की बेस पे तरहता रेजिडेंसिया जो नॉर्मल है एक्स्ट्रा हेरोस का नीव, उस कार्ड से आप चेंज करवा के तरहता कम्युनिटारियो ले सकते हैं। जो मेरे दोस्त जो भाई स्पेन में रहते हैं उनको पता है कि इसमें कितना फ़र्क है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं हैं। फ़ायदे इसमें इस सूरत में हैं, अगर आपको भी परमानेंट कार्ड नहीं मिला, ठीक है ना, फिर आपको तरहता कम्युनिटारियो पर अप्लाई करें, आपको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा जो कि रिन्यू भी होगा, उसके 10 साल पूरे होने के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आप वो तरहता जो है तरहता कम्युनिटारियो उसको लार्गा दूरासियन यूए में चेंज नहीं करवा सकते। फाइनल कमेंट्स इसके बारे में मैं यही कहूँगा, फ़ायदा उसका उसी सूरत में है अगर आपके पास तरहता लार्गा दूरासियन नहीं है, ठीक है ना, आपके पास पहली 2 साली है या दूसरी 2 साली है, उसके अंदर अंदर ही आपके बच्चे को नेशनैलिटी मिल गई है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। प्लस एक और चीज़ है, बहुत से फैमिलीज़, बहुत सी नहीं लेकिन चंद रेशो ऐसी है फैमिलीज़ की जो स्पेन में इलीगल होते हैं, माँ के पास भी पेपर नहीं है, वालिद के पास भी पेपर नहीं है, उनके यहाँ बच्चे की बर्थ होगी जब तो बच्चे को पेपर कोई नहीं दिया जाता, ठीक है ना, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, ना उसको तरहता रेजिडेंसिया मिलता है, ना उसको कुछ भी नहीं मिलता जब तक कि माँ बाप के पास उनका टाइम अराइगो का पूरा ना हो जाए। अराइगो सोशल आपको पता है 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद जब वालिद अप्लाई करेंगे फिर उसके अंडर आएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेस पे या किसी और बेस पे अगर बच्चे को नेशनैलिटी या उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, सो नाउ दैट इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, क्योंकि जर्मनी में ऐसा नहीं है, बेल्जियम में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, ठीक है ना, दैट बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मेरे सब भाई जो स्पेन में बैठे मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि लोग यहाँ से 10-10, 12-12 साल यहाँ पे टाइम और पैसा वेस्ट करके दोबारा स्पेन में जाके परे हाइचों के चक्कर में पड़ते हैं या पदरौन पूरी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वाइज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जेन्युइन शादी आपके बाल बच्चा भी साथ में हो फिर भी शादी एक्सेप्ट नहीं करते समटाइम, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी थिंग। लेकिन स्पेन में थोड़ी सी अगर ये चीज़ हो जाए तो इट शुड बी ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जिनके पास अभी लार्गा दूरासियन नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो डायरेक्टली तरहता कम्युनिटारियो ले लें, इस सारे चक्कर से वो उस चीज़ के अंदर ही नहीं आएंगे। भाई अपने घर के इन्फॉर्मेंट दे विविंदा दो, अपना नॉमिनल दो, इतनी कमाई दो, क्योंकि आपको पता परमानेंट कार्ड लेने तक जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, आपको वो सारे का सारा दोबारा रिग्रुपासियन के अंदर से गुजरना पड़ता है। सेम उसी तरह जैसे पहली दफ़ा पाकिस्तान से आप बच्चों को बुलाते हैं तो सारा सेटअप करते हैं, आपको सेम वो करना पड़ता है। सो इसके ऊपर अथेंटिक न्यूज़ और भी फर्दर जो आएंगी इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डेफिनेटली। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, लेकिन अभी यह है कि हर बंदा, हर अबोगादो, हर वेबसाइट इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, सो दैट वाज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी स्टिल हियर, अभी तक जितनी वीडियो भी हुई है। सो दोबारा से आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और दे आर पार्ट ऑफ माई टीम। आप सब हैं तो हम हैं, दिस इज़ ये चैनल है। इंशाल्लाह ताला हम रास्ते में रहेंगे, फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो, कोई कमेंट, कुछ भी कहना हो आपने, राइट डाउन बिलो इन एनी वीडियो, इंशाल्लाह विल रिप्लाई यू। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह ताला की ज़ात मेरा और आपका हामी नासिर। हमेशा खुश रहें, खुश रहने दें और दुआएं लें बस सबकी, दैट इज़ ए बिग थिंग। और मुझे दुआ दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़।